नमस्कार मित्रों, शिव आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल पथरी की समस्या आम समस्या हो गई है। पथरी किसी भी उम्र में हो सकती है। आजकल लोगों का खान पान और दिनचर्या इस तरीके की हो गई है कि ये परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और जब किसी प्रकार से पथरी नहीं निकलती है तो अधिकतर एलोपैथी डॉक्टर ऑपरेशन की ही सलाह देते हैं। इसमें मैं गुर्दे की पथरी की बात कर रहा हूँ। गुर्दे की पथरी निकालने का इसमें आयुर्वेदिक नुस्खा ऐसा बताऊंगा जिससे बड़ी से बड़ी पथरी आराम से दवाई से ही निकल जाएगी। गुर्दे कमर के ऊपर, यहाँ गुर्दों का स्थान है, यहाँ पर गुर्दे होते हैं। गुर्दों का काम शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। खून में कई प्रकार के तत्व मिले रहते हैं, जिसमें कैल्शियम, ऑक्जालेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और भी इसके अलावा यूरिक एसिड और भी कई तत्व मिले रहते हैं। जरूरत के हिसाब से शरीर में जो तत्व रहने होते हैं वो रह जाते हैं, बाकी गुर्दे फिल्टर करके पेशाब के द्वारा उनको बाहर निकाल देते हैं। जिस इंसान को पथरी हो जाती है तो पथरी का दर्द भी यहाँ से ही शुरुआत होती है, गुर्दे से ही। और किसी किसी को ये दर्द पीछे कमर तक जाता है, किसी किसी को ये दर्द नीचे तक जाता है। पेशाब बूंद बूंद आ सकती है, या पेशाब में खून आ सकता है, या पेशाब रुक भी सकती है। गुर्दे की पथरी का दर्द जब होता है तो बहुत तेज और भयंकर दर्द होता है। कई बार मरीज को इतना तेज दर्द होता है कि वो छटपटाएं लगता है और उसको गोली दवाई से भी आराम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में उसको इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता है। जो लोग लगातार लंबे समय तक एक जगह पर ही बैठे रहते हैं, पेशाब लगने पर भी पेशाब करने नहीं जाते हैं, या जिनको कब्ज रहती है, कब्ज के कारण सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, उनको भूख नहीं लगती है, या जो ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, पानी की मात्रा बहुत ही कम पीते हैं, उन लोगों को अक्सर पथरी हो जाती है। पथरियां वैसे कई प्रकार की होती हैं, लेकिन गुर्दे की पथरी 80% कैल्शियम ऑक्जालेट की होती है। तो आज हम इस वीडियो में गुर्दे की पथरी निकालने का एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताएंगे जिससे बड़ी से बड़ी पथरी घर पर ही निकल सकती है आराम से, और ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है। तो इस नुस्खे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये कुल्थी की दाल है, इसको हॉर्स ग्राम भी कहते हैं। ये देखिए, ये कुल्थी की दाल है, इसको हॉर्स ग्राम कहते हैं। ये पथरी निकालने में बहुत अच्छी है, इसका लोग कई वैद्य लोग बहुत यूज करते हैं। और ये देखिए, ये जवाखार, इसको यवछार और जौखार नाम से भी जानते हैं। ये जौ से बनाया जाता है, इसकी भी पथरी निकालने में अहम भूमिका होती है। और तीसरी चीज ये देखिए, इसको कलमी सोरा बोलते हैं। देखने में तो ये मिश्री के समान लग रहा है, लेकिन इसको कलमी सोरा बोलते हैं। और ये देखिए, ये सुहागा है, सुहागा भी देखने में कलमी सोरा जैसा लग रहा है, लेकिन ये सुहागा है। तो अब नुस्खे को हम इस प्रकार तैयार करेंगे। कुल्थी की 100 ग्राम दाल को लेके शाम को एक गिलास पानी में भिगो देंगे, और सुबह एक गिलास और पानी लेके, यानी कि 2 गिलास पानी का काढ़ा बनाएंगे एक गिलास रहने तक। उस काढ़े में 1 ग्राम जवाखार, 1 ग्राम कलमी सोरा और 1 ग्राम ये सुहागा डाल देंगे। 2 गिलास का काढ़ा बनते बनते आधा रह जाएगा, तो 1 गिलास बचेगा, जो उसमें से 1 गिलास काढ़ा जो बचा है वो आधा गिलास सुबह बिल्कुल खाली पेट पीना है, और 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। ऐसा ही जो बचा हुआ आधा काढ़ा है जो शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले पीना है। इस प्रकार से ये दवाई जब रेगुलर हो जाएगी तो किडनी स्टोन का होने वाला दर्द धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, दर्द की फ्रीक्वेंसी भी घटती जाएगी और दर्द धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो आप समझें, हमारी पथरी धीरे धीरे घुलती जा रही है
और लगातार जब इसको यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी पथरी निकल के किडनी से बाहर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको पानी की मात्रा 2 से 3 लीटर रेगुलर पीना है। चाय और कॉफी को बंद कर देना है। जंक फूड, फास्ट फूड और एनिमल फूड को बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब तक आप दवाई लेंगे तब तक अल्कोहल भी नहीं लेना है। हल्का और सुपाच्य भोजन करना है। गरिष्ठ और ज्यादा ऑयली भोजन भी नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करती हैं, जिससे पेट का सारा सिस्टम खराब होता है, यूरिन भी खुल के नहीं आता है और पेट में दर्द होता है, कब्ज होती है, इस तरीके से समस्याएं और बढ़ने लगती हैं। अगर ये उपचार जिस तरीके से बताया गया है, इस तरीके से अगर रेगुलर उपचार किया जाता है तो धीरे धीरे आपकी पथरी निकल कर बाहर आ जाएगी। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई गई हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।